नमस्ते, पाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पनीर कोफ्ता की सब्जी बना रही हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है और एक बिल्कुल साधारण तरीके से बनाई। स्टार्ट करते हैं पनीर कोफ्ता। इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पनीर कोफ्ता के लिए ग्रेवी बनेगी उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर 2 छोटा चम्मच तिल है जिसको भिगो रखा है, टमाटर, लहसुन, करी पत्ता, प्याज, अदरक, 1 छोटी कटोरी दही, काजू जिसको भी हमने भिगो रखा है, हरा धनिया और हरी मिर्च, ये सब हमें ग्रेवी के लिए चाहिए होगा। और यहाँ पर जो कोफ्ता बनाएंगे उसके लिए हमें क्या सामग्री चाहिए, पनीर, मैदा 1 छोटी कटोरी, बेसन 1 छोटी कटोरी और मसाले, सादा नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, हींग पाउडर, राई। सबसे पहले हम यहाँ पर कोफ्ते तैयार करेंगे, उसके बाद ग्रेवी बनाएंगे। बनाने के लिए हमने यहाँ पर पनीर को क्रश कर लिया है। इसी के अंदर हम ऐड करेंगे 1 छोटी कटोरी बेसन, 1 छोटी कटोरी मैदा, इसमें थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं होगी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करना है। पानी की इसमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि पनीर के अंदर पानी रहता है, तो ये अच्छे से बेसन और मैदा इसमें मिक्स हो जाएगा। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से ये अच्छे से इसका आटा लग गया है और अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल तैयार कर लेंगे, यानी कि इसके कोफ्ते बना लेंगे। क्योंकि हम पनीर कोफ्ता की सब्जी बना रहे हैं तो इसीलिए इसके कोफ्ते तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इस तरह से इसके कुछ बॉल तैयार करेंगे। ये बड़ी आसानी से बन जाते हैं। इस तरह से आप चाहे जितना बड़ा छोटा आपके हिसाब से बना सकते हैं। सारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो एक कढ़ाई में हम तेल गरम रखेंगे, गरम हो गया है और अब हम इस तरह से कोफ्ते डाल के और इनको फ्राई कर लेंगे। सुनहरा रंग हो गया है और अब हम गैस को बंद कर देंगे और कोफ्तों को बांट। एक कढ़ाई में तेल रखेंगे और इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसके बाद इसमें हम डालेंगे हींग पाउडर। तेल गर्म है क्योंकि हमने कोफ्ते तैयार करे थे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा राई दाना, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन की पूरी कलियां, हरी मिर्च और प्याज के पीस, अदरक भी इसी तरह डाल देंगे, करी पत्ता भी ऐसे ही डाल देंगे और इनको हम सिर्फ 2-3 मिनट तक पका लेंगे। टमाटर भी ऐड कर देंगे और इसे थोड़ी सी देर और चलाएंगे।
इस मसाले को हमें ज्यादा नहीं भूनना है, यानी इसका बस हल्का सा ही इसको भून करके और गैस बंद कर देंगे। इसका हम फिर पेस्ट तैयार करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको पीस लेंगे। तो ऐसे ही इसे 2 मिनट चलाकर छोड़ देंगे। तो ये बिल्कुल ठंडा हो गया है और अब हम इसे एक जार में निकाल लेंगे और फिर उसके बाद में इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। हम इसी के अंदर काजू है उनको भिगो रखे थे उनको भी डाल देंगे और जो तिल है वो भिगो रखे है उनको इसके साथ में ऐड कर देंगे। और फिर इसका एक अच्छे से पेस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से पेस्ट पूरी तरह से तैयार हो गया है और अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो इसी कढ़ाई के अंदर हम थोड़ा सा तेल रखेंगे, अच्छे से गरम करेंगे और अब हम इसमें एक बार थोड़ा सा हींग पाउडर डालेंगे और जो हमने यहाँ पर पेस्ट तैयार किया है ग्रेवी के लिए वो इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से और इसे हम पकाएंगे वापस। इसे हमें कम से कम 3 से 4 मिनट पकाना है अच्छे से। पकाएंगे अगर आप चाहे तो गरम मसाला कोई सा भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लौंग का मसाला हुआ या फिर, लेकिन यहाँ पे मैं क्या ज्यादा गरम मसाले ऐड नहीं करती हूँ, बिल्कुल साधारण तरीके से बनाती हूँ लेकिन बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। अगर आपको साधारण तरीके से कोई रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, लाइक करें। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। आप देख सकते हैं ग्रेवी बहुत अच्छी दिख रही है। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च है इसीलिए यहाँ तीखा नहीं बनाएंगे इस ग्रेवी को। इसमें हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे और ग्रेवी को अच्छे से पकने देंगे। छोटी कटोरी दही है हम उसको ऐड कर देंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम हल्का सा पानी और डालेंगे और फिर पकाएंगे थोड़ा। तो इस तरह से ग्रेवी बिल्कुल पक गई है और जो अब कोफ्ते हमने बनाए हैं उन कोफ्तों के ऊपर हम इस ग्रेवी को इस तरह से डालेंगे, यानी कि इस प्लेट को हम इस तरह से सजाएंगे। अगर आप चाहे तो कोफ्तों को इसके अंदर भी डाल सकते हैं। यहां पर मैं इसी तरह से सर्व कर रही हूं। के ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। थोड़ा सा हमने पनीर को क्रश किया है तो उसको इस तरह से डाल देंगे। और हल्का सा इसके ऊपर हम थोड़ा सा और दही इस तरह से डाल देंगे। तो पनीर कोफ्ता की सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।